गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का क्लास फोर में स्वागत है। आज हम सभी हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, लेसन सेवन, और जिसका शीर्षक है वचन नंबर। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अधिक होने का पता चले, जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक है ना होने का पता चले, उसे वचन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक ही बच्चा पढ़ रहा है तो ये कौन सा वचन हो गया? एक वचन हो गया। और यहाँ पे बच्चे, बच्चे मीन्स क्या आ जाएगा? बहुत सारे बच्चे, मतलब एक से अधिक है ना, दो या दो से अधिक बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा? आपका बहुवचन हो जाएगा। मुर्गी देख रही है, ये कौन सा वचन हुआ? एक मुर्गी है, मुर्गी देख रही है तो एक वचन का एग्जाम्पल हो गया, मुर्गियां देख रही हैं। इसमें बहुत सारी मुर्गियां हैं तो ये हो जाएगा बहुवचन। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन, एक शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में पता चल रहा है कि इसमें एक ही बच्चा पढ़ रहा है और इसमें एक ही मुर्गी देख रही है ना, तो ये दोनों क्या हो गए? एक वचन हो गए। जैसे कि एग्जाम्पल में, जैसे कि केला, पुस्तक, पौधा, मतलब ये सब में एक होने का पता चल रहा है। अब हम लोग देखते हैं बहुवचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले, उसे बहुवचन कहते हैं, है ना। बहुवचन, जैसे कि बच्चे पढ़ रहे हैं, मुर्गियां देख रही है, वो सब क्या है? बहुवचन है। और इसमें भी एग्जाम्पल है केले, पुस्तकें, पौधे, ये सब एक से अधिक का पता चलता है ना। तो यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है, वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे लड़की पढ़ रही है ना, लड़कियां पढ़ रही है, अगर हमारा लड़की के जगह में लड़कियां होगा तो इधर भी चेंज हो जाएगा, लड़कियां पढ़ रही हैं में यहाँ पे बिंदी है, मतलब बहुत सारी लड़कियां पढ़ रही है। और पानी, बादल, भीड़, जनता, पिता, आदमी, ऐसे शब्द में क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे कि आदमी सो रहा है ना, एक आदमी सो रहा है, एक वचन, अगर हम लोग इसे बहुवचन बनाएंगे तो ये पूरा चेंज हो जाएगा, आदमी सो रहे हैं, ये आदमी चेंज नहीं होगा, ये सो रहे हैं, है ना। आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे पिताजी आ रहे हैं, नेहरू जी महान नेता थे, है ना, जी का यूज हुआ है। और इसमें भी नेहरू जी, क्योंकि हम लोग को, इन बड़े लोग को या किसी को आदर देना है तो ऐसे शब्द का यूज होता है। यहाँ पे कुछ संज्ञा शब्दों के बहुवचन रूप है ना, ये सबको आपको याद कर लेना है। झंडा का क्या हो जाएगा? झंडे, रात, रातें, इधर पूरा एक वचन दिया हुआ है और ये बहुवचन है, फिर से यहाँ एक वचन है और ये बहुवचन है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।